लगता है कि बिहार सरकार संपूर्णतः भ्रष्टाचार और अपराध की सरकार है। अपराधियों के सामने नीतीश कुमार जी घुटना टेक ही दिए हैं, साथ ही साथ जितने इनके भ्रष्टाचारी पदाधिकारी हैं जो बिना घूस लिए कोई भी काम नहीं करते हैं, और इनकी जितनी भी योजना है वह अब कागज पर की योजना साबित हो रही है। खुलेआम शौचालय निर्माण में बड़ा बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, तो हमको लगता है कि शौचालय निर्माण में हो और भ्रष्टाचार हो और साथ ही साथ अपराध के सामने यह सरकार घुटना टेक दी है, तो क्या नैतिकता के आधार पर इस सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार है? ठीक रघुवंश बाबू कहते हैं कि ऐसे से काम नहीं चलेगा, गर्दनियां दे करके इस तरह की निकम्मी अपराधी सरकार को सत्ता से हटाना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग विपक्ष एकजुट होकर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार को बचाने के लिए, गरीबों को बचाने के लिए, शोषित और किसानों और मजदूरों और नौजवानों को बचाने के लिए इस निकम्मी सरकार के खिलाफ जिहाद बोल देने की आवश्यकता है। लेकिन आप विपक्ष की एकजुटता रोज दिखाई नहीं देती, आप लोग टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई देते हैं हमेशा। सब हम लोग एक साथ